हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन को, जिसकी श्रृंखला फर्स्ट है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनवायरनमेंट के, जो अपकमिंग एग्जाम में आ भी चुके हैं, जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में सारे एग्जाम हुए हैं। काफ़ी कलेक्शन इसका मैंने बनाया है, जो सोर्सेस हैं इसके मैं बता दे रहा हूँ आपको, घटनाचक्र से और परीक्षा वाणी के दृष्टि वो से। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, जो हमारे वीडियो को पहली बार देखें, कृपया वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और सबसे पहले मिलते रहे। क्योंकि फ्रेंड, इस चैनल पे हम हमेशा से केवल और केवल एजुकेशनल वीडियो ही प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ में जो भी अपकमिंग एग्जाम आता है उसके लिए क्रैश कोर्स फ्री अवकाश प्रोवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस समय हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो एग्जाम के लिए और TET एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हुए हैं, और लगातार वीडियो आपको अपलोडेड मिलते रहे। और अपकमिंग एग्जाम के लिए कल या परसों से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पुलिस और अदर एग्जाम जो भी आ रहे हैं आपके अपकमिंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से सबसे पहले मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कुछ बेसिक क्वेश्चन से करते हैं, और चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे दी जाती थी? ये है हमारे अर्नेस्ट हैकल साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र के, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तंत्र के जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है आपके एजी टांसले को। किसको माना जाता है? एजी टांसले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को। और क्वेश्चन नंबर 4 है, ओजोन स्तर के या ओजोन क्षरण के का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था आपके जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बना था 1972 में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है फ्रेंड, दोनों में डिफरेंस है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? ये बना था आपका 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? ये तो 1986 में बना था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण की सुरक्षा मौलिक कर्तव्य के रूप में की गई है? ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस या एनवायरनमेंट दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, बड़े बड़े एग्जाम में तो आर्टिकल 51A में ऐड किया गया है, और इस जो संशोधन किस संशोधन के थ्रू किया गया, ये भी कई बार पूछा गया कि ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, जो 1976 में हुआ था, और इसी को बोला जाता है मिनी संविधान। क्या बोला जाता है? मिनी संविधान बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका देहरादून में। और क्वेश्चन नेक्स्ट है इसी के अकॉर्डिंग है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये है कहाँ आपके भोपाल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है जोरहाट में, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, और ये अभी हाल ही में PCS एग्जाम में भी पूछा चुका था, बस उसमें ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया था, वहाँ पर दिया गया था आपका 73। ठीक है फ्रेंड, तो बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई है, की गई थी? ये 1972 में की गई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई है 2006 में। इससे अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, कि इनके अधिनियम कब ये बना गया था, प्रोजेक्ट इनका कब स्टार्ट किया गया था, और मैच कराने को लेके। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट है, कछुआ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 1975 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या किससे संबंधित है? यहाँ पे ल होना चाहिए, न के स्थान पे। तो ये 1987 हुए ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका जोधपुर राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 70, वियना समझौता कब हुआ था? ये 1985 में हुआ था, ये भी संबंधित है किससे? ओजोन परत संरक्षण से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष और कहाँ हुई थी? ये हुई थी 2005 में, और शायद यहाँ पे जापान ने रियो डी जेनेरियो होना चाहिए, मैं अगर उसको इम्प्रूव करके करेक्ट करके पिन कर दूंगा, तो वो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ही दिखाई पड़ेगा, और यदि आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आगे बढ़ते फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, जो कि ब्राज़ील में है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? ये माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और दुग्ध क्रांति के जनक माना जाता है वैश्विक तौर पर, ये माना जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। अगर दूध के तौर पर पूछा जाए तो ये फ्रेंड इसका आंसर होगा अमूल दूध। कौन सा होगा? अमूल दूध। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसी के खोजकर्ता थे या इसी को उन्होंने उत्पादित किया था। नेक्स्ट फ्रेंड, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये किया कहा जाता है रविंद्र कुमार सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड नेक्स्ट है 23, चिपको आंदोलन के जन्मदाता किसे माना जाता है? ये सुंदरलाल बहुगुड़ा को माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? ये इन्होंने किया था 1986 में। भारत में सर्वाधिक रेडियो धर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका केरला में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश कहाँ और किस महीने में होता है? ये सबसे ज़्यादा होता है अंटार्कटिका में और सितंबर अक्टूबर महीने में होता है। ग्लोबल वार्मिंग पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये है आपका न्यूजीलैंड। फ्लाई ऐश का निर्माण किससे होता है? ये होता है कोयले के दहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण का सूचक या संकेत है? कि ये है वायु प्रदूषण का। किसका है? वायु प्रदूषण का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अम्लीय वर्षा की मुख्यतः जिम्मेदार कौन सा है? ये है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, लाइफिंग गैस भी बोला जाता है आपको, NO2 को। क्वेश्चन नंबर 30, मैंने कोहरे के आर पार देखने में सहायक तरंग कौन सा? तो ये है अवरक्त तरंग या अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, ओजोन परत की सांद्रता सबसे अधिक किस परत में होती है? तो ये होती है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में। ये भी क्वेश्चन आपके PCS के एग्जाम में भी 2018 में हुआ है, उसमें भी। ये फ्रेंड्स कंपाइलेशन मैंने काफ़ी पहले कर रखी थी, थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, वो उसके लिए टाइम लेट हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इस नेचुरल गैस की सर्वाधिक मात्रा हो जाती है, तो ये बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ये मीथेन गैस की होती है 60% की। ठीक है, जिन लोगों ने PCS का एग्जाम दिया था तो उनको बेखूबी याद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर हर एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड से, और ये जब त्रासदी हुई थी तो वो हुई थी 1984 में। नेक्स्ट फ्रेंड, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन सा है? तो ये है आपके आर्सेनिक और फ्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस महीने में होता है? ये होता है मार्च अप्रैल महीने में। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी मेंशन किया है। काफ़ी ढूंढ ढूंढ के कलेक्शन करेंगे सारे क्वेश्चन को बनाया, तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इसे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लवणीय मृदा के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जिप्सम और पायराइट्स का किया जाता है। 1-2 बार एग्जाम में जिप्सम और पायराइट दोनों ऑप्शन था, तो कई बच्चों ने जिप्सम का ऑप्शन टिक करके आया था, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैंने मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्लैक फूड बीमारी का क्या कारण है? तो ये आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो ये बना 1974 में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 40, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी जाती है? तो ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन को दी जाती है, जो कि 2002 में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41, कौन सी अवधारणा सतत एवं अस्थायी विकास से संबंध रखती है? तो नवनिवेतीयवाद अवधारणा है। ये IAS के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया फ्रेंड्स, इसलिए इस चीज़ को मैंने मेंशन कर दिया, और रिपीट हो सकता है PCS मेंस एग्जाम में, इसलिए इसको मेंशन किया गया। नेक्स्ट फ्रेंड, एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड संख्या कैसा बनेगा? तो ये उल्टा बनेगा, और इसी के साथ जो तालाब का पिरामिड होता है, जी हाँ फ्रेंड, जो तालाब का पिरामिड होता है वो पिरामिड संख्या इसका भी क्या होता है? उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा बनता है, अपोजिट बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेलवास किस प्रकार के वन होते हैं? तो ये विषुवती वर्षा वन होते हैं। क्या होते हैं? विषुवती वर्षा वन। कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस थे तो उनको मैंने डिस्कस किया, ये बहुत ही मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया है साथ में इसके। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस, दोनों में डिफरेंस यहाँ से देखिएगा, मैचिंग करके ये कॉलम के अकॉर्डिंग कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, यही आया था PCS के एग्जाम में। जी हाँ फ्रेंड्स, इस जो मैं आपको दे रहा हूँ कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूरा मैच कर रहा है आपके PCS एग्जाम में, बस एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मैं उस टाइम इसको अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को। फ्रेंड्स, लगभग 5 से 6 वीडियो में इसके अकॉर्डिंग अपलोड करने वाला हूं, और आई होप कि ये इसके पहले टेट एग्जाम के पहले 2-3 वीडियो आपको कंप्लीटली प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो सके, क्योंकि पर्यावरण का मोस्ट इफेक्ट होने वाला वहाँ पे। तो फ्रेंड, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और एक आपका अपना वो व्यू ज़रूर देके जाएं कि इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट कर सके हम, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करके आपको दे सकें। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।